दोस्तों, आपका गोपाल राजू का नमन। प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने अपने खुद के दायरे से, अपने परिवार के दायरे से, अपने नियर डियर से बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ अर्जित करता है, ये निश्चित है। क्योंकि ये देखिए, सबसे पहला जो गुरु होता है उसका माँ होती है, और ये माँ के जो संस्कार वो बच्चे में से जरूर आते हैं। ऐसे ही घर में कुछ भी हो, कोई उसका भाई हो, उसकी बहन हो, पिता हो, नौकर हो, यहां तक कि घर के कोई जानवर हो, पालतू जानवर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, तोता हो, कबूतर हो, इनसे भी अर्जित करता है व्यक्ति, इनसे भी सीखता है। और ये सब अपनी जान में सिखाने का प्रयास करते हैं उसको कि वो सीखे कुछ। मगर ये डिपेंड करता है कितना ग्रहण करता है वो, ये डिपेंड करता है उसके संस्कार के ऊपर, ये डिपेंड करता है उसकी मानसिकता के ऊपर, उसकी बौद्धिकता के ऊपर, उसकी जिज्ञासा के ऊपर, उसके एंथुसियाज्म के ऊपर, कि कितना सीरियसली वो ले रहा है इन चीजों को। और अगर इन सबसे ज्ञान अर्जित किया तो फिर ताउम्र वो महसूस करते हैं कि हाँ, मैंने मेरे बचपन में मेरे ये संस्कार थे, मैंने ये वहां से सीखा। वो चीजें कभी भूलता नहीं जो एक बार सीखी जाती है बचपन में। मैं वही देखे लिखता हूँ जो मैं अपने जीवन में भोगता हूँ, वही मैं कहता हूँ, वही मैं ऑडियो वीडियो देता हूँ जो मेरे जीवन में अनुभूत हुए हैं। मैं हमारी माँ श्रीमती देवकी, स्वर्गीय देवकी सक्सेना, बहुत ही पॉइस्ट्री थी, पूजा पाठ कर्म प्रधान, रात में कितने बजे उठ जाएं, 2 बजे उठ जाएं, 3 बजे उठ जाएं, 4 बजे उठ जाएं, घड़ी तो होती नहीं थी उन जमाने में। बस उनका एक वो था, नियम था 365 दिन का, मॉर्निंग में उठना, झाड़ू लगाना, नहाना धोना, और फिर उनकी घंटी पूजा पाठ की, वो गन 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 घंटी बोलती थी, आरती है। पढ़ी लिखी नहीं थी बेचारी, नैनीताल की थी वो, कम पढ़ी लिखी थी, मगर वो उनको सब कंठस्थ थे, वो उनको उनके माता पिता से संस्कार में मिले। तो मैंने उनसे सीखा पूजा पाठ का नियम। पिताजी हमारे राजपत्रित अधिकारी, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर, चाहते तो उस जमाने में क्या से क्या कर देते। 50 के दशक में हमें उस जमाने की याद है, 57-58 की बहुत अच्छे से याद है हमें, छोटे छोटे थे हम लोग। खुददार, डिसिप्लिन, ब्रिटिश पीरियड के मजिस्ट्रेट आप समझ सकते हैं। सारी सुख सुविधाएं, घर में 8-9 नौकर, घर में पानी का गिलास भी खुद उठा के नहीं पीते थे हम लोग। मगर पिताजी हमारे सादगी और संयम के प्रतीक थे, अपना काम करना, मोटा खाना, मोटा पहनना और डिसिप्लिन। उनका उनका कहना था कि सब लोग सुबह उठ जाओ, नहा धो के तैयार हो जाओ एक बार, फिर चाहे जो कुछ करो। वो हमारा नियम आज तक बना हुआ है, कैसा भी मौसम हो, कैसा भी हो, कहीं भी हो, सुबह उठ के तैयार हो गया एक बार। कितने अच्छे संस्कार मिले कर्मठ इतने कि उनको किसी चीज की शर्म नहीं थी। ये वो हमें सिखाते थे, वो कहते थे तुम अपने आप को खुद बनो, कपड़ा इंसान को नहीं बनता, आदमी कपड़े को बनाता है, कपड़ा तुमसे फबेगा, कपड़े से तुम नहीं फबोगे, इस चीज को ध्यान रखो। और वो देखा मैंने, वो बताइए जिसके घर में इतने नौकर चाकर होते थे, क्यारी अपने आप बोते थे, बागवानी का बहुत शौक था उनको, खुरपी हाथ में ले ली और अपने खोद रहे हैं, कोई डिसिप्लिन बहुत, कोई हाई ऑफिशियल आया, कोई मिनिस्टर आया, कोई बहुत अर्जेंट बात आई, चपरासी कह देता था कि साहब सो रहे हैं, साहब पूजा कर रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनको आके कह दे कि फला फला आदमी बैठा है। बहुत संस्कार मिले हमें देखे उनसे। मेरा भाई छोटा राकेश सक्सेना मध्य प्रदेश वन विभाग में रहा है, वो कर्मठता सीखी उससे, खुददारी सीखी उससे, कभी भी आलस ना करना सीखा उससे। ट्रैकिंग का बहुत शौकीन हम दोनों को बहुत शौक था। इमेजिन नहीं कर पाएंगे आप लोग कि 22,000 फीट स्कूटर पे उसके साथ ये जुनून, एक दो नहीं दर्जनों ट्रिप करे हमने साथ, वो सीखा उससे, कभी आलस नहीं आया। प्रैक्टिकल इंसान, कोई डिसीजन लेना तो इमीजिएट डिसीजन, वो आज तक मैं सीख रहा हूँ, आज तक मैं कर रहा हूँ उस चीज़ को। चाचा हमारे श्री राजा बहादुर सक्सेना पेशकार थे कचहरी में, मैंने उनका ऑडियो भी दिया था, हंसमुख, बच्चों को हंसाना, बच्चों को खिलखिलाना, सब बच्चों को साथ लेके बैठते थे, और हम देखते थे कि कब हम शाहजहांपुर जाएंगे, शाहजहांपुर हमारा पुश्तैनी मकान है, कब हम जाएंगे चाचा के पास कि साथ बैठेंगे हम लोग।
और मजा भी आता था बैठ के, आनंद भी आता था। हम इंतजार करते थे शाम को कि चाचा कुछ लेके आएंगे, तो वो खुशी का वातावरण घर में जो पनपता था वो हम तरसते हैं उसके आज के, हम उसके लिए। हम बच्चे सोचते थे कि एक साल एग्जाम जब खत्म होते थे प्रतीक्षा करते थे कि कब सब लोग मिलके बैठेंगे। और हमारा घर जो था रिटायरमेंट के बाद में पिताजी को बहुत छोटा मकान मिला, एक कमरे में चार चार लोग रहते थे, पांच पांच लोग रहते थे, पता ही नहीं चलता था कि भीड़ भड़क का कुछ। वो संस्कार हमें मिले कि हम मिल बांट के सब रहें। तो दोस्तों ये मैं कहां तक गिनाऊं आपको, मगर ये निश्चित है कि सीखेगा व्यक्ति अपने दायरे में सीखेगा, अपने परिजनों में सीखेगा। ऐसा नहीं कि भाग जाएं हम कहीं पर्वत पे चले जाएं, गुरुकुल में चले जाएं, कहीं किसी से दीक्षा ले लें, किसी कहीं किसी से गुरु दीक्षा ले लें, बड़े कोई वो मिल जाएं, उनसे मिलेगा मगर एक सीमा तक। पढ़ाई के लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेनी है तो जाना पड़ेगा वहां पे, मगर अल्टीमेटली जो मिलेगा मिलेगा अपने परिजनों से। हमारे मैं अपने पिताजी की डायरी देखता हूँ तो मेरे आंसू निकल आते हैं, कैसे सुबह उठ के प्रार्थना करते थे, उनका नियम था सुबह शाम पूजा पाठ का, वो मैंने सीखा एक डायरी से पिताजी की, बहुत पुराना मुझे मिला। पिताजी प्राणायाम करते थे, स्वर साधना करते थे सुबह, फिर सोने से पहले और रात्रि में पहले वो जो नियम होता है ना, हथेली को रगड़ा और अपने चेहरे पे फिराया, तो उससे क्या होता था चेहरा निस्तेज होता था, एवर एंडिंग स्माइल, एवर एंडिंग एनर्जी मिलती थी उससे। वो सब करते थे सारी चीज़ें, वो हमें संस्कार में मिले, बचपन से कर रहा हूँ उसको मैं। सूर्य को जल देते थे वो मैं बचपन से कर रहा हूँ। पिताजी की डायरी में एक दोहा मिला मुझे, वो सोते शाम जाप करते थे उसको वो। आप भी इसको इस तरीके से कोई भी जो अपना नियम बनाए, जो भी कोई चीज़ आपको विरासत में मिले, जो भी अपने परिजनों से मिले, माँ से मिले, पिता से मिले, भाई से मिले, बहन से मिले, अपने किसी और शुभचिंतक से मिले, ये मैं करता था, ये आप भी करिए। मैंने सिर्फ ऑडियो देने का उद्देश्य मेरा यही था कि ये कुछ भी नियम बना लें उसको पकड़ लें, जैसे होता ना कि बस पकड़ लिया छोड़ना नहीं उसको, उसको फिर वो जीवन में एक आपके एक अंगीकार हो जाए, आपको लगे कि इस नियम को करे बिना आपका कुछ अधूरा रह गया। ये दोहा मैं आपको हल्के हल्के बोल देता हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप करें, आपको नहीं अच्छा लगे तो और कोई पकड़ लें जो आपको अच्छा लगे। ये था ये ओम नमो भगवते रघुनंदनाय रक्षोग्न विषदाय मधुर प्रसन्न वदनाय तीत तेजसे बलाय रामाय विष्णुवे नमः। ओम ये नाद करते थे, वो नाद की मेरी आदत पड़ गई, मैं भी करता हूँ नाद। कितनी मुझे खांसी जुकाम हो मैं सांस को प्राणायाम करता हूँ, रोकता हूँ, आप बढ़ाइए इसको और अच्छा, मैं तो बहुत देर तक करता हूँ और अच्छा लगेगा। इसका अर्थ होता है ब्रह्मवाचक ओम सहित भगवान रघुनंदन श्री राम जी को जो हमारी रक्षा करने वाले तथा पापों का समूल नाश करने वाले हैं, अत्यंत बलशाली हैं, मधुर हैं तथा प्रसन्न मुख वाले हैं, अत्यंत तेज वाले हैं, बल वाले हैं, मैं ओम सहित उनको प्रणाम करता हूँ। बस अपना अपना नियम कीजिए इसको, आपको देखिए कितना अच्छा लगेगा। और दोस्तों ये छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी सी बातें, अच्छी लगे तो इनको वायरल करें प्लीज़ हैं, और YouTube में इनको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपाला जी।